नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमारे पास एक बहुपद दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। मैं इसको मान लेता हूँ px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये px के बराबर है। हमें गुणनखंड जो दिया है वो दिया है x प्लस 1। इसको x माइनस a के रूप में रखने के लिए मैंने प्लस 1 को लिख दिया माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि मुझे x माइनस a फॉर्म चाहिए। तो देखिए, इसको x माइनस a के साथ मिलाओ, x x माइनस माइनस, तो a किसके बराबर आ गया, इस पूरी रकम के बराबर आ गया जो कि है माइनस 1। इसका मतलब a आ गया है माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 था, इसमें x की जगह अब जो a की वैल्यू आई है माइनस 1 वो भरता हूँ। तो p ऑफ x था उसकी जगह मैं लिखता हूँ p ऑफ माइनस 1। ये किसके बराबर होगा, x की जगह माइनस 1 भरना है, माइनस 1 का क्यूब प्लस प्लस x का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x यानी प्लस माइनस 1। ये प्लस 1 था, ये ऐसे उतार दिया। अब देखो, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 1, प्लस 1, इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, देखो ये माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट के 0 आ जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, 0। अब देखो मेरे को क्या मिला, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि p ऑफ a 0 के बराबर आ जाए तो x माइनस a दिए गए बहुपद का गुणनखंड होती है। ठीक है, तो यदि p ऑफ a बराबर 0 हो तो x माइनस a दिए गए बहुपद px का गुणनखंड है। तो हमने a कितना लिया था, माइनस 1। इसका मतलब जो ये हमारे पास बहुपद था x प्लस 1, जो हमने देखना था कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, क्योंकि p ऑफ a 0 आया तो हम कहेंगे हाँ x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। यदि p ऑफ a 0 नहीं आता तो हम कहते नहीं, x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है।